की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं सातनवरी स्थित नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में यहां की सुविधाओं के बारे में यहां के प्लेसमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एम के राहंगडाले इनसे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास मुलाकात इस का कार्यक्रम में सर सबसे पहला मेरा आपको एक सवाल रहेगा कि ये जो नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसकी स्थापना कब और कैसे हुई थी और आज तक का सफ़र कॉलेज का कैसा रहा इसके बारे में क्या बताओगे आप <coughs> मैत्री एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से 2009 में नागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का निर्माण हुआ वो एक सोच के माध्यम से जनरली टू में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की उतनी भरमसाट नहीं थी जो आज की शिनारी आज आप देखने जा रहे हैं एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जब एडमिशन के लिए बच्चा जाता है तो उसे ऐसा एक अनुभव होता है कि भाई उसे काफ़ी पैसे का ख़र्चा आएगा एजुकेशन लेना मुश्किल होगा ऐसा उनको लगता है यही सोच के देखते हुए है कि हमारे ट्रस्टीज है वो खुद आई आई टी एन से और एक बहुत बड़ी पोस्ट पे आने के बाद भी उन्होंने महसूस किया कि जो गरीब सेक्टर से आने वाले गरीब एरिया से आने वाले बच्चे हैं जो रूरल एरिया से आने वाले बच्चे हैं जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से बच्चे उनके लिए इंजीनियरिंग एजुकेशन अफोर्ड करना इट इज़ नॉट पॉसिबल तो भाई क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जाए कि जिसके माध्यम से वो बच्चे इंजीनियरिंग एजुकेशन ले सके और अपना भविष्य उज्जवल कर सके तो इस विजन के साथ में इस इंस्टीट्यूट का निर्माण 2009 में हुआ और तब फिर 2009 के बाद में जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई फिर क्या हो गया कि 2009 थाउजेंड नाइन टू टू थाउजेंड टेन एलेवन ट्वेल्व कंटिन्यूसली एक वाइल्ड मशरूम की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होना चालू हो गया इस फील्ड में काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए पॉलिटिशियन आए और इस इसको एक ऐसा प्रोफेशन बना दिया गया और इस सिचुएशन में सर्वाइवल ऑफ़ द इंजीनियरिंग कॉलेज ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न था इस सिनारीों में वो लोगों ने सर्वाइव कर पाया जो सचमुच क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया और वो एक हमारी ऐसी जर्नी है 2009 से टू तो थाउजेंड आज तक इस 11 साल के जर्नी में हमने क्या देखा है करीबन 12 साल बारहवें साल में हम अभी पदार्पण कर रहे हैं तो हमने ये देखा है कि भाई अगर आपके दिल में सचमुच एक सोशल एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के वेलफेयर के माध्यम से उनके फ्यूचर को देखते हुए अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर दें तो आप कभी भी उससे अफेक्ट नहीं होंगे इस सिचुएशन में आपने देखा है कि अलग अलग रिस्टेशन आए हैं बहुत सारे कॉलेजेस बंद हुए तब हम भी कंस्टिटेंसली हम एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं टू से तो टू थाउजेंड तक हमारी जो जर्नी रही है इसमें फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट थे वो हमारे लिए बहुत बड़े आइडियल थे वो ऐसे आइडियल थे कि 2012 में जो बच्चे पास हुए उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने सोचा कि सर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है उन्होंने प्रिपरेशन किया एम का यू का कुछ बैंक एग्जामिनेशन का और उसमें से अराउंड थर्टी टू फोर्टी परसेंट बच्चे प्लेस हो गए इन गवर्नमेंट सेक्टर में उसके बाद में जो बच्चों को उनके जूनियर लोगों को एक आइडियलिस्टिक ऐसा मिल गया कि भाई एक हमारे जो सीनियर है सब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और जनरली हर बच्चे का हर पेरेंट का एक पहला फेयर होता है कि वो गवर्नमेंट में जाए गवर्नमेंट जॉब मिले उसे वही चाहता है तो यहाँ उन बच्चों ने शुरुआत की और जिसके माध्यम से यहाँ का हर साल हर स्टूडेंट वो प्रिपरेशन करता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए यानी फर्स्ट प्रिफ्रेंस वो किसे देता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के, के लिए और सक्सेस बात यह है कि अराउंड ट्वेंटी परसेंट स्टूडेंट हर साल हमारे यहाँ का गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है कहीं बहुत सारे इरीगेशन डिपार्टमेंट में टी डब्ल्यू पी डब्ल्यू डी कुछ एम एस सी बी में एक विजिलेंस ऑफिसर बने हुए प्रोवेशनरी ऑफिसर बने हुए रेलवे में है और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें हमारे बच्चे इबजार हुए हैं तो ये क्या है कि एक ऐसी बच्चों को एक चालना है एक सीख है जो उनके सीनियर सीन, सीनियर बच्चों ने छोड़ के गया सीनियर स्टूडेंट ने छोड़ के गया तो उसके कारण से हमारा हर बच्चा गवर्नमेंट में जाना चाहता है दूसरी बात ऐसी है कि ये गारंटी नहीं है कि हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिले इट इज़ नॉट पॉसिबल आज के डेट में तो आप कठिन हो गया गवर्नमेंट का नाम सुनने <laughs> मुश्किल ही है नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है लेकिन उन बच्चों के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ क्वालिफाई नहीं कर पाते उन बच्चों के लिए हम लोगों ने हमारे यहाँ कॉलेज से ही हमने एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एक्टिव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल चलाते हैं जिसके माध्यम से हम लोग उनको सॉफ्ट स्किल की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूस एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट की जाती है उस काउंसलिंग करियर एंड गाइडेंस सेल्स नाम का हमारा एक सेल है एंटरप्रेन्योर सेल भी है जिसमें बच्चों को खुद के भरोसे पे कैसा एक बिजनेसमैन बनाया जा सकता है इसके ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ख़ास बात तो यह कि स्टार्टअप के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने इसको स्टार्ट भी कर दिया है ऐसे बच्चे हैं कि कुछ वो चाहते हैं कि सर हम जॉब नहीं करना चाहेंगे हम जॉब देने वाले बनेंगे तो ऐसे इस कॉलेज के ऐसे करीबन सात आठ बच्चों ने खुद ने अपना एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वो आज सेल्फ डिपेंडेंट के साथ में उन बच्चों के लिए मिसाल है जो नौकरी मांगने जाते हैं उन्होंने खुद ने स्टार्ट किया ये बहुत बड़ी अचीवमेंट ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि ये कैसा है कि हर कोई चाहता है आज उसके नौकरी मिले जॉब मिले जौग। लेकिन ये नहीं चाहता कि मैं बिजनेस स्टार्ट करके दूसरों को जॉब दूँ तो यहाँ के सात बच्चों ने जो स्टार्ट किया ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साथ ही साथ इस इंस्टीट्यूट के जर्नी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरली स्टार्टिंग में जब सभी कॉलेजेस साथ में आई थी तो हमें भी ऐसा लगा था कि शायद ये बहुत मुश्किल काम है सर्वाइव करना इस सिचुएशन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन डे टू डे बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है इस सिचुएशन में हमें लग रहा था कि कैसा होगा लेकिन हमारी एक कंटिन्यूसली क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना हमारे जो जो टूल्स है टीचिंग टूल्स मेथोडोलॉजी हमारा एक्टिव ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल रिजल्ट ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिनके माध्यम से बच्चे ऑटोमेटिक खींचते आए हमने कभी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग नहीं किया एक प्रमोशन किया जाता है आपने देखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर जब तक प्रमोट नहीं किया जाए बच्चे आजकल मानती भी नहीं है उनको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट और आजकल तो डिजिटल दुनिया है उनको सब कुछ वर्चुअल लाइफ पे ज़्यादा विश्वास है वो आइडियल और वर्चुअली जीते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के फोकस न करते हुए क्वालिटी के ऊपर एक्चुअल हम बच्चों को क्या दे सकते हैं ये खर्चा हमने प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर न खर्चा करते हुए हमने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना चालू किया मैं इसको खर्च नहीं कहूँगा इसे इन्वेस्ट कहेंगे क्योंकि एजुकेशन के ऊपर जो भी खर्चा होता है वो एक इन्वेस्टमेंट है और उसके रिटर्न्स उसके आउटपुट डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अच्छे मिलते हैं तो ये हमने देखा है कि उसके माध्यम से कभी भी हमें एडमिशन के लिए प्रॉब्लम नहीं गई अपने आप एडमिशन हुई है विदाउट एनी प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट बाकी चीज़ें एक बात और है कि अगर इंस्टीट्यूट का लोकेशन कभी मायना नहीं रखता ये इंपॉर्टेंट है मैंने देखा हाँ। हमें थोड़ा ऐसा लगा कि हमारा इंस्टीट्यूट काफी थोड़ा शो अवे फ्रॉम द सिटी बट सिचुएशन ऐसी है कि ये कोई मायरा नहीं लगता उल्टा हमने एक बेनिफिट ये देखा कि इस इंस्टीट्यूट का जो लोकेशन है एक कल ग्रीन एरिया में है बहुत ही बढ़िया हेल्दी इन्वामेंट है आपने खुद हमारा इंस्टीट्यूट घुमा है या उस बच्चों को बंक मारने के लिए यहाँ कोई चांस नहीं है वंस एक बार बच्चा इस कॉलेज में आ गया तो अराउंड सिक्स टू सेवन आवर्स हमारा डोज को लेना ही है प्रैक्टिकल्स है थेरी है तो यहाँ आने के बाद में होता है क्या कि भाई उसको मजबूरन तो हमारे इस प्रेमाइस में आने के बाद में हम लोग एक स्कूल के तरह से एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं जिसके माध्यम से उसको अराउंड छः घंटा या सात घंटा हमारे साथ में रहना होता है और इस पीड में उसको कंटिन्यूसली एजुकेशन के बारे में इंडस्ट्री के बारे में आने वाली सिचुएशन में उसको क्या फेस करना पड़ेगा वो कैसे सर्वाइव करेगा इस करंट सिनारियों को कैसे कम्पीट करेगा इसके ऊपर हम लोग उसको अवेयर कराते हैं उसको जानकारी देते हैं और उसके माध्यम से क्या होता है कि हर बच्चा सक्सेसफुल होता है अराउंड नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट रिजल्ट आता है अब बोलेंगे कि भाई नाइन्टी फाइव और नाइन्टी परसेंट रिजल्ट आता है तो सर कहीं आपके यहाँ सेंटर तो नहीं <laughs> हमारे यहाँ कोई सेंटर नहीं है हमारे यहाँ के सारे बच्चों का सेंटर या तो एल होता है अंजुमन होता है प्रियदर्शनी होता है यहाँ बच्चों को हम उस तरह से प्रोवाइड करते हैं टीचिंग कि भाई वो अगर कितने भी बजे उठे और हम उसको जो पढ़ाया है वो पूछे तो कभी भी तैयार होगा एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ में बच्चों को ट्रेन कर किया जाता है एक टेक्निक दी जाती है कि भी कम समय में वो कैसे अच्छी तरह से पढ़ सके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज की आज ज़रूरत है आपने देखा होगा कि जनरली बच्चा इंजीनियरिंग तो कर लेता है डिग्री तो हाथ में ले लेता है लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो उसको कुछ भी नहीं ले कुछ भी नहीं समझता क्योंकि पढ़ता कुछ है किताबों में और एग्जीक्यूट करने की जब बारी आती है तो उस वक्त तो फेल हो जाता है इस बात को हमने ध्यान में रखा हुआ है हमने बच्चों के लिए जैसा ही हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है तो सिक्स मंथ का इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हमारे यहाँ का हर बच्चे को इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है इट इज़ कंपल्सरी इट इज़ मैंडेटरी तो इसके माध्यम से वो सीखते हुए पढ़ते हुए ही वो बच्चा इंडस्ट्री के अटैचमेंट में आता है उसे मालूम है कि इंडस्ट्री में उसे क्या करना है तो हम लोग इस तरह से बच्चों को एक इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में सर्वाइव गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन के लिए उसको क्या होने चाहिए इसके लिए हम लोग हमारे हमारे गाइडलाइंस तैयार रहते हैं हम उसे कॉम्पिटिव एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए हम लोग तैयार करते हैं बहुत सारे हमारे हर सैटरडे को एक एक क्लास ऊपर होते है जिसके माध्यम से बच्चा एम पी एस के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमेटी सॉरी सिलेक्शन से, की जो एक रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लिए क्या क्या होने चाहिए वो सारी चीज़ों का हम लोग बच्चों को कॉलेज के माध्यम से फ्री गाइडलाइन फ्री गाइडेंस प्रोवाइड प्राइवेटिव एग्जाम तो ये मैं ये समझूंगा कि एक उपलब्धि है कि यहाँ वो सारी चीज़ें मिलती है पहली बात तो एक ऐसा इन्वायरमेंट कि उसको डिस्टरबेंस होगा नहीं वो कई दर भागेगा नहीं और आज के डेट में बच्चों के पेरेंट को चाहिए क्या पेरेंट को ये चाहिए कि भाई मेरा बच्चा कोई बहुत बाकी जगह ना जाती हुई इसको एक स्पेसिफिक अच्छा एजुकेशन मिले क्वालिटी एजुकेशन मिले जो यहाँ आके उन बच्चों को हासिल होता है आपने जैसे बताया कि नागार्जुना कॉलेज जो है इसकी स्थापना ऐसे लोगों ने की है जो आई टी है तो इसके मतलब कोई पॉलिटिशियंस या इनका ये कॉलेज ना हो नहीं, तो को मतलब ऐसे कोई बच्चे रहते हैं कि जिनका मतलब आ, जो आर्थिक परिस्थिति रहती है वो फाइनेंशियली वो कमज़ोर रहते हैं लेकिन वो काबिल रहते हैं एजुकेशन इंजीनियरिंग का लेने के लिए तो ऐसे बच्चों के लिए आपके कॉलेज द्वारा कोई फैसिलिटी दी जाती है उन्हें एडमिशन की के लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड की दिया जाता है देखिए मैडम हमने हमारी सोसाइटी के माध्यम से उन गरीब बच्चों के लिए ही कॉलेज खोली ही है हमारा विजन था मिशन था ये प्लेटफॉर्म हमने उन बच्चों के लिए स्पेशल बनाया है जो सही में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं हमने देखा एजुकेशन तो आप उन्हें फ्री में दे सकते हैं ट्यूशन फी शायद बाकी कॉलेज वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी के बच्चों को ट्यूशन फ़ी प्रोवाइड करती है इसलिए उसे ट्यूशन फ़ी के अगेंस्ट में कुछ भी पेमेंट करना नहीं है लेकिन इसके अलावा जो खर्चे होते हैं उसके रहने के लिए होते हैं उसके खाने के लिए यानी फूड चाहिए उसको अकोमोडेशन चाहिए ट्रांसपोर्टेशन अगर वो टू एंड फ्रो कॉलेज में से घर जाना चाहता है आई मीन उसको रूम में जाना चाहता है या हॉस्टल में जाना चाहता है तो उसके लिए भी एक एक्सपेंसिस होते खर्चे होते ये सारी चीज़ों को हमने देखा कि भाई कहीं ना कहीं इन कारणों से बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहता बिल्कुल एजुकेशन तो मिल जाता है फ्री में लेकिन ये जो एक्सपेंसिस होते हैं सिटी में रहने के आने के जाने खाने के ये अफोर्ड नहीं कर पाता यह हमने देखा और टू में फर्स्ट टाइम इन नागपुर हमारी मैनेजमेंट ने अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना चालू किया फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अगेंस्ट में हमने कभी कुछ पेमेंट बच्चों को चार्ज नहीं किया और फर्स्ट टाइम हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया तब हमने देखा कि भाई ये बात है ऐसी कि बच्चे आज भी ऐसे कुछ है जिन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कंफ्यूजन है वो ऐसे बच्चे हैं जो समझते हैं कि इंजीनियरिंग एजुकेशन उनके बस की बात नहीं है वो ऐसे बच्चे हैं जो समझते हैं एक तो एक फाइनेंशियली विकर सेक्शन के हैं वो ये समझते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाएंगे ये समस्या ज़्यादा रूलर, आ, रूरल डेफिनेटली रूरल एरिया में हमने ऑब्जर्व किया है उस कारण से वो बच्चा बीएससी बीए बीकॉम इन सेक्टरों में जाता है दे दे। तो हमने क्या देखा कि भाई ऐसे बच्चों के अंदर नॉलेज काफ़ी होता है होशियार होते है। लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण से वो बच्चा दूर जाता है हमने फोकस किया उन बच्चों के ऊपर हमने उनको मोटिवेट किया हमने उनको एक छोटा सा वर्कशॉप चलाया और ऐसे बच्चों को हमने हमारे यहाँ बुलाया उनका एडोप्ट किया तो उन्होंने दे, हमने देखा कि वो हमें हमने उसको उनको अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन बुक्स इवन यूनिफॉर्म तो प्रोवाइड कर लिया इसके बावजूद भी उनकी समस्या क्या थी वो इतने गरीब बच्चे थे कि वह खाने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे फिर तो हमने मैनेजमेंट के सामने रखा कि सर कुछ ऐसे बच्चों को क्यों ना एडोप्ट किया जाए जिन्हें फूड भी प्रोवाइड किया जा सके तो हमने ऐसे बच्चों को जो बहुत ही ट्राइबल हिली ट्राइबल एरिया से आते हैं उन लोगों को हमने फर्स्ट टाइम फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया विथ क्वालिटी एजुकेशन और आज की डेट में ऐसे बच्चे हमारे यहाँ से सक्सेसफुल इंजीनियर बन सोसाइटी में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है वो बच्चे जिन्हें बहुत ही मुश्किल था इंजीनियरिंग उनके लिए शब्द ही दूर था ऐसे बच्चे आज वो सोसाइटी में कुछ तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं ये हमारी उपलब्धि है एक एक ऐसी सोसाइटी है जो सचमुच गरीबों के लिए काम करती है नागार्जुन कॉलेज जो है ये एजुकेशन के साथ साथ जो है सोशल एक्टिविटीज़ भी करता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दी जाए बिल्कुल बच्चा एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकलने के बाद में इंजीनियरिंग डिग्री लेकर के वो बाहर कंपनी में जाता है और वो बाहर जाता है कि उसे नौकरी मिले अच्छे पैकेज की नौकरी मिले एक्सपेक्टेशन हर बच्चे के होते पेरेंट के भी होते लेकिन कोई सोसाइटी के लिए काम करे ऐसा नहीं चाहता उन बच्चों को जो हम बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनके दिमाग में एक बात डालते हैं कि बेटा एजुकेशन तो तू अपने लिए कर रहा है लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन तुम्हारा होना चाहिए तुम्हारे नॉलेज का कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी जहाँ से तुम आए हो उनके लिए होना चाहिए ये एक बड़ा उद्देश्य है हमारा वो हमारा उद्देश्य उन बच्चों के माध्यम से सफल होता है वो बच्चे सिर्फ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो सात बच्चों ने अपना खुद का स्टार्टअप इंडस्ट्री स्टार्टअप किया और चालू किया वो भी एक सोसाइटी के लिए एक बड़ा योगदान है उन बच्चों के लिए जो आसानी से जॉब नहीं मिलता उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है वो सिर्फ इंडस्ट्री चलाते ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए है वो खुद बच्चे हमें बताते कि सर आज अगर इस कॉलेज ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही होती तो शायद हम कहीं और होते हम शायद ये नहीं ये कर पाते जो वो उन लोगों ने अनुभव किया है तो एक आ, साथ में हमें ऐसा लगता है कि हम इन बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहे एक सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जा रहा है वो बच्चे यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलते फिनिश वो सिर्फ एक मशीन नहीं है तो सोसाइटी के बारे में सोचते वो कुछ बद तक के अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देते हैं और उसका कारण है कि वो बच्चा हम कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते बैठा बच्चे ही हमारे जो दीज आर द गुड एम्बेसिडर हमारे बच्चे ही एम्बेसडर हैं जो खुद बता दें कि कहीं और एडमिशन क्यों लेते हो यहाँ जाओ यहाँ आपको गारंटी है कि पैसा नहीं लगेगा यह गारंटी है कि आप अच्छी क्वालिफी क्वालिटी के साथ में आपको एजुकेशन मिलेगा आपको कोई एक्सपेंसिव या खर्चे नहीं आएंगे तो ये ये स्टूडेंट का ही एक योगदान है कि जिसके माध्यम से हमें कभी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी दीज आर द गुड एम्बेसडर है ये हमारे स्टूडेंट हैं एल्युमिनी चीफ बिल्कुल आपने जैसे अभी बताया कि आपके स्टूडेंट ही आपके एम्बेसिडर है जो यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं तो क्या बताओगे आ, हमने ऐसा देखा है कि छात्र जब इंजीनियरिंग के मतलब एडमिशन करते हैं उससे पहले ये पूछते हैं कॉलेज में कि आपके यहाँ कौन सी प्लेसमेंट हमें दी जाएगी तो इस बारे में आप क्या बताओगे मतलब कॉलेज की तरफ से कौन सी कौन सी प्लेसमेंट कौन सी कौन सी जगहों पर प्लेसमेंट होती है हाँ ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज के डेट में हर बच्चा प्लेसमेंट के बारे में पूछता है जैसे अपना पहला डिस्कशन हो गया बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक्टिव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो काम करता है वो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड न करते हुए बच्चों को एप्टीट्यूड के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि उनके सॉफ्ट स्किल के बारे में कोर्सेज ग्रुप डिस्कशन इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उनको जो इंटरव्यू में क्या क्या फेस करने पड़ते हैं उसके लिए हम तैयार करते हैं एक फिनिश गुड तैयार करते हैं एक प्रोडक्ट हम ऐसा फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो किसी भी जगह पर कोई भी सिचुएशन में जाए तो वो फाइनल होकर सक्सेसफुल होकर निकले तो ये हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल काम करता है जिसके माध्यम से हमने अराउंड नाइन्टी दो हज़ार उन्नीस बीस में सिक्सटी नाइन परसेंट स्टूडेंट हमारे यहाँ के प्लेस हुए प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर टू थाउजेंड ट्वेंटी से टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की जो बैच थी उनमें सेवेंटी फोर परसेंट प्लेस हुए ये बात बड़े ही आ, आपके लिए आश्चर्यकारक होगी कि आपने देखा होगा कि ये चलते दो साल के पेंडेमिक में जनरली सब लोगों की नौकरियां छीनी गई है आई I मीन mean, निकल गई है इस सीनारियों में हमने सेवेंटी फोर परसेंट प्लेसमेंट किए ये हमारा अचीवमेंट है आपने देखा होगा कि हर कोई आदमी अपने आप को बेरोजगार बता रहा है यार पेंडेमिक के कारण से मेरी नौकरी चली गई मैं क्या करूँगा लेकिन ये नागारुला के स्टूडेंट हैं ऐसे सेवेंटी फोर परसेंट बच्चे जो प्लेस हुए हैं ये कारण क्या है पहली बात तो यह है कि भाई बच्चों के एक्सपेक्टेशन जो होते हैं मैं देखा जनरली कि दिमाग में ये रहता है कि नहीं मैं इंजीनियर बन गया मुझे इतने लाख का पैकेज चाहिए तो मैं नौकरी करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा ये मैंटिलिटी जो होती है ये बच्चों को बहुत बेकार है क्या होता है कि जितनी ये गैप होगी एजुकेशन और उसके सर्विस के बीच देखे। में ये बहुत बेकार है इसको वो कभी कोप अप नहीं कर सकता इस इसको कभी ब्रिज नहीं कर सकता इसका अफेक्ट उसके लाइफ लॉन्ग होता है तो हमने ये बच्चों के दिमाग में रखा है कि बेटा जो अपॉर्चुनिटी आए हो सके आपको मिनिमम पैकेज मिले लेकिन उसे छोड़ना ना जाए ऐसा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ जो बच्चा सिर्फ उसका ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ के हिसाब से उसको ऑफर आया था उसने बोला कि सर पुणे समान सिटी में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव ये बहुत ही छोटे अमाउंट था मैंने बोला यार एज स्टाइफन समझ के काम करो हो सके कुछ ना कुछ मिलेगा फ्यूचर में और वो डेढ़ साल के बाद में अब आपको अचंबा होगा कि वो नाइन्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ सैलरी उसका विदिन अ वन एंड हाफ ईयर तो ये किसके कारण से हुआ ये उसकी मेहनत की ये स्किल की तो ये ऐसा ये, एक एक एकदम रैपिड ग्रोथ इतनी फास्ट ग्रोथ है ये बच्चों के दिमाग में होनी चाहिए अगर वो डेढ़ साल तक इंतज़ार करता कि भाई अच्छा, कि मुझे पचास हज़ार का जॉब मिले तो उसको नहीं मिल पाता और ये सिचुएशन ये मैंने हमने देखा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद में वो सोचता है कि भाई मुझे एकदम से पचास हज़ार साठ हज़ार का जॉब मिले तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये बच्चे एकदम फ्रेशर हैं इनको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी वो छोटा क्यों ना हो लेकिन उनका स्किल उनका वो काम करने के बाद में उनका जो एक्सपीरियंस उन्हें वो उनके एक्सपेक्टेड सैलरी दिला सकता है ये बात हम हमारे बच्चों के दिमाग में डालते हैं और इसी कारण से हमारा जो स्टूडेंट है वो सब प्लेस होता है और हालाँकि हर बच्चे को बीस लाख पच्चीस लाख का पैकेज मिलना पॉसिबल नहीं है आप भी जानते हैं सभी जानते हैं लेकिन क्यों ना हो हो सके जैसा हो सके वैसा सब लोग प्लेस हो रहे हैं ये खुशी की बात है कहीं कहीं ना कहीं मीटर से उनका शुरुआत तो, शुरुआत तो, शुरू तो है बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि हर जगह जो है नागार्जुन के जो स्टूडेंट है प्लेसमेंट उन्हें मिल जाती है तो यहाँ के टीचिंग स्टाफ के बारे में आप क्या बताना चाहोगे यस करेक्ट क्या होता है मैडम की जितनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होती है ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज के तहत चलती है इनके नॉर्म्स होते हैं कि भाई इतना आपको फैकल्टी होना ही है उसके बगैर आपका कॉलेज बंद हो जाएगा मैं अगर ये कहूँ कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ है इट एजेंट मैटर ये हमें रखना ही है एज पर दूनिवर्सिटी एज पर द ए आई सी टी कैडरेशों के, के अनुसार उतने प्रोफेसर चाहिए तो है हाईली एक्सपीरियंस एक हमारे यहाँ टीचिंग फैकल्टी है डॉक्टरेट लोग हैं मैक्सिमम लोग अभी डॉक्टरेट के लिए रजिस्टर्ड uh, कर चुके हैं अपने आप को और एज़ पर द नॉर्म्स हमारे यहाँ जो फैकल्टी है उनका टीचिंग और सबसे एक बात यह है उन बच्चों उन टीचिंग uh, फैकल्टीज में कि उन्हें एक एक इंटरव्यूम है पढ़ाने की अपने बच्चों को आगे कुछ निकालने की एक जुनून है कि हर बच्चा सक्सेसफुल हो निकले क्या होता है मैडम ये यह हमारे यहाँ सिर्फ दो सौ चालीस का इंटेक है आप और कॉलेजेस की मैं बात नहीं करूंगा जिनके पास में 1200 या 1500 या हज़ार का इंटेक है वहाँ के बच्चा वहाँ जब एडमिशन बच्चा लेता है एक एवरेज वाला वहाँ अगर 20 बच्चे भी फेल हो जाए ना तो उस कॉलेज के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारा दो का इंटेक है यहाँ अगर दो बच्चे भी फेल होते हैं ना तो इसका फ़र्क पड़ता है तो इसका प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे फैकल्टी को हम क्रिएट करते हैं इसका इंडायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट को मिलता है और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये अगर आ, ये प्रेशर क्रिएट करने से स्टूडेंट को भी जानकारी है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की भी जवाबदारी है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें भी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये हाँ एडमिशन लेने वाला हर बच्चा सक्सेसफुल निकले तो एक इनडायरेक्ट प्रेशर एक आउटपुट में बाहर निकलता बाहर निकलता एक्चुअली क्या होता है कि हमें भी देख रहे हैं आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से या और भी माध्यम से एजुकेशन इंजीनियरिंग एजुकेशन के बारे में आप जो देख रहे हो एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन के बारे में बात सोच रहे हो आप एक इंजीनियरिंग एजुकेशन का एक जो दर्जा है उसे कहीं ना कहीं नीचे आते हुए नज़र आता है इसका कारण ऐसा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस वालों को खुद बच्चों के पास जाना पड़ रहा है एक वक्त ऐसा था जो बच्चे आते थे अब थोड़ा सीनारियो चेंज हो गया है इसे कहीं ना कहीं रोकना होगा और ये तभी रोक सकता है ये तभी रुक सकता है अगर हम उन बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट एक क्वालिटी एजुकेशन उसे अगर सोसाइटी में भेजने जा रहे हैं तो क्या करने वाला है उसका आउटपुट क्या होगा यूनिवर्सिटी में अभी यूनिवर्सिटी जो हमारी अब तैयार होने जा रही है एक नया सिलेबस डिज़ाइन करने जा रही है वो है आउटकम बेस्ड एजुकेशन वो बी ई आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि हाँ बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसके जो आउटकम्स आने वाले हैं उसको मॉनिटराइज किया जाएगा उसके अटेंडमेंट क्या है इसके ऊपर विचार किया जाएगा नंबर ऑफ़ सी उसने कितना अचीव किया है नंबर ऑफ़ पी कितना अचीव किया है तो पी ओच मीन्स वाट अबाउट यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये डिग्री वो बच्चे का आउटपुट आउट आउटपुट क्या होगा उसको एनालाइज़ करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया अभी एक नए रिफॉर्म किया जा रहा है सिलेबस को यूनिवर्सिटी के और आने वाले समय में शायद आप भी देखेंगे कि ये बी की जगह बी टेक की डिग्री मिलने वाली है यानी मैं ऐसा कहूँगा कि आर टी नागपुर यूनिवर्सिटी का बच्चा वो किसी भी इंडस्ट्री में जाए या और भी कहीं जाए तो खाली हाथ नहीं आएगा तो इसके पीछे ऐसा है कि एक सभी के टीम वर्क एक अच्छे काम की शुरुआत और बच्चों के अंदर एक इंजीनियरिंग के प्रति अभी बढ़ता हुआ थोड़ा सा है ना एक अभी हम देख रहे हैं कि एक इंजीनियरिंग एजुकेशन के तरफ लोगों का एक कल पढ़ने जा रहा है ये जरूरी है और पुछ बिल्कुल। पुछ। आ, एक छोटा सा संदेश मेरा आखिरी सवाल है आपको कि एक छोटा सा संदेश जो है छात्रों के लिए आप आपके हमारे बच्चों के लिए या सभी जो एस्पायर जो, जो एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग करना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए मैं उन पेरेंट्स से और उन स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा मैंने एक अनुभव किया है कि बच्चे को पास होने के बाद में उसका एक्सपेक्टेशन या सी में अच्छे मार्क्स मिलने के बाद में उसका एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड उसके थिंकिंग चले जाते उसकी उन एबिलिटी के अलावा वो बाहर और सोचता है कि मुझे इस सिटी में एडमिशन मिलनी चाहिए बड़े सिटी में यहाँ मिलनी चाहिए यह लोकेशन होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसी एजुकेशन जिसका एक बहुत बड़ी कॉलेज में होना चाहिए एक और इस चक्कर में वो कंफ्यूज होकर के कहीं ना कहीं उल्टे सीधे डिसीजन के चक्कर में वो अपने आप को एक इसमें झोंक देता है ये मैंने ऑब्जर्व किया है ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को कि आफ्टर ट्वेल्व के बाद में सी रिजल्ट आ के बाद में एडमिशन लेना ये बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है तो पेरेंट ने और स्टूडेंट ने क्या सोचना चाहिए उनके एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए ये एक मैं अब सभी के आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहूँगा अगर मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैं अपने बच्चे को एडमिशन चाहता हूँ तो मैं क्या चाहूँगा पहले तो मैं ये देखूँगा कि भाई उसे जो अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो कौन सा कोर्स में इंजीनियरिंग करे ये मेरा पहले से गोल होना चाहिए कि मुझे मुझे इसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन करनी है सिलेक्शन ऑफ ब्रांच फर्स्ट उसके बाद में कि भाई मुझे अगर ये डिग्री मिलती है तो क्या होता है कि वो डिग्री का जो मीन्स आउटपुट यानी जो डिग्री मिलने वाली है वो एक एक्सेलेंट होनी चाहिए है ना मतलब वहाँ जो टीचिंग होना चाहिए वो एक्सेलेंट होना चाहिए क्वालिटी टीचिंग होना चाहिए वहाँ का टीचिंग स्टाफ कैसा है है ना अच्छा है या नहीं उसके रिजल्ट ये एक मेरा प्रश्न होगा तो वो भी एक गोल पेडेंडे बनाना चाहिए ये कंफ्यूजन दूर करने वाला सर कॉलेज की बैक हिस्ट्री बैक हिस्ट्री या एक तो भाई टीचिंग क्या है टीचिंग क्या है वहाँ इंटेक क्या है या सिर्फ तो एक ब्रांड के नाम पर पे कैसे भी भर दो ऐसा तो नहीं ना एक ब्रांड चल रहा है जिसके माध्यम से एडमिशन ले लो ऐसा नहीं है सचमुच में वहाँ क्वालिटी एजुकेशन होती है क्या दूसरा प्रश्न हो रहा है कि जो एजुकेशन सेम मैंने बड़ा ये इसके ऊपर अनुभव किया है सेम एजुकेशन के लिए लोग जिनको फ्री में डिग्री मिलती है उसी के लिए वो अराउंड ट्वेंटी लाख रुपीज़ खर्च करते हैं एक उदाहरण है मेरे सामने मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा जो डिग्री फ्री में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की या कोसी भी ब्रांच की मिलती है फ्री में उसी डिग्री के अगेंस्ट में प्रधान से बीस लाख रुपये खर्च करते हैं तो ये एक इसके लिए भी उनको बताना चाहूँगा कि भाई ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बीस हज़ार रुपये खर्च करने के बाद में आपको जॉब मिलेगा और जो फ्री में डिग्री लिया है वो एकदम एक्सलेंट होगा डजेंट मैटर डिग्री में कोई वेटेज नहीं होता होशियारी किसी के सर पर लिखी नहीं होती है होशियारी उसके चार साल में जो उसने गेन किया है उसके डिग्री के ऊपर होता है तो वो इम्पॉर्टेंट है कि भाई वो बच्चे ने कहाँ से किया है डजेंट मैटर लेकिन उस डिग्री के ऊपर कितने मार्क है ये बहुत बड़ा मैटर करता है, है। मैटर करता है तो भाई उसे अच्छे परसेंटेज से डिग्री कहाँ मिलेगी और उसके लिए उसको मिनिमम एक्सपेंसेस हो ज़बरदस्ती में लाखों रुपए खर्च करके एक बच्चा जा रहा है उसकी फ्री में डिग्री हुई है और एक बीस पच्चीस लाख रुपये खर्च करके जा रहा है दोनों का सेम पैकेज है तो मतलब क्या होता मतलब है तो भाई ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए एजुकेशन ना ले या भाई मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है इसलिए मैं ऐसा करूँगा और डजेंट मैटर एजुकेशन कभी सिलेबस यहाँ का अलग वहाँ का अलग ऐसा नहीं होता ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन के पैरामीटर सभी के लिए सेम हो फिर वो दिल्ली में हो या कन्याकुमारी में हो वो फिर गोवा में हो या इधर फिर गुवाहाटी में हो सभी जगह सेम पैरामीटर है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन और उसको एडर है हम लोग सभी तो ये बात अलग है कि भाई कुछ लोग ऐसा सोचते हैं नेक्स्ट बात ऐसी है कि स्टूडेंट के दिमाग में ऐसे ये, ये बात निकालनी जरूरी है कि कोई कॉलेज प्लेसमेंट करता है कॉलेज अपने आप कभी किसी का प्लेसमेंट नहीं करता है वहाँ जो टीचिंग की जाती है उन बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बच्चा ही कंपनी के सामने जा कर के अपने आप को प्रूव करता है कॉलेज तो एक प्लेटफॉर्म है कभी कॉलेज किसी को नौकरी नहीं लगा सकता कॉलेज ट्रेनिंग दे सकता है ये कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है हम कंपनी को बुला सकते हैं लेकिन उसे इंसिस्ट नहीं कर सकते कि इस बच्चे को लूँ ये उसकी काबिलियत होगी बच्चे की तो ज़रूर वहाँ प्लेस होगा तो भी प्लेसमेंट के लिए अगर सोचा जाए तो स्टूडेंट के ऊपर है अगर वो अच्छा एजुकेशन है उसका नॉलेज अच्छा है तो प्लेस वो कहीं खाली नहीं रहेगा भाई उस कॉलेज में बहुत प्लेसमेंट है इस कॉलेज में कम प्लेसमेंट है ये लोगों का और पेरेंट का जो कन्फ्यूजन है ये ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं होता स्टूडेंट को ही अपने आप को प्रूव करना है तो हमारे साथ थे डॉक्टर एम के रहांग डाले इन्होंने जो है नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में जानकारी दी है और आने वाले छात्रों को भी एक अच्छा सा संदेश दिया है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन्हें संदेश दिया है कि किस तरह से उन्हें कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो आज के खास मुलाकात कार्यक्रम में वक्त चलाए यही रुकने का देखते रहिए बी एन न्यूज़ नमस्कार